गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राजन रंजन। आई हैव डन द ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी कानपुर। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एन पॉलीनोमियल, एंड इन दैट पॉलीनोमियल आई हैव कवर्ड अप टू द टॉपिक ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। टुडे आई विल गोइंग टू गिव यू द एक्सरसाइज एग्जांपल्स। आई विल टेक द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 2.2 सी। देखो 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स and verify the relationship between the and verify the relationship between the zeros and its coefficient. हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुका था पहले कि रिलेशनशिप एंड ऐसा कुछ। ओके, तो देखो बच्चों, आज है ना हम बेसिकली आगे फर्दर डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चंस में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज एंड फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पहले भी करते आ चुके, क्या हम लोग करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ कौन सा वैल्यूज है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए यानी कि माइनस 2 को स्प्लिट करेंगे, तो माइनस 2 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ऐसा कुछ लिख सकते क्या। अब यहाँ से कॉमन लिया x, तो ये क्या हो गया, x माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो ये x माइनस 4। फिर अगेन यहाँ पे x माइनस फोर कॉमन है, यानी कि x माइनस 4 कॉमन लिया, तो ये क्या है, x प्लस 2। ओके, ये क्या हो गया आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 2 फैक्टर्स आया किसका, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। क्या फैक्टर है, x माइनस 4 एंड x प्लस 4, ये दोनों आपका क्या आ गया, फैक्टर्स आया। ठीक, अब यानी कि इस फैक्टर्स को यूज करके हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज क्या होगा, यानी कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 कैसे निकालेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4, और सिमिलरली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब इन दोनों का यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशियंट। तो वेरीफाई कर रहा हूं, तो अभी जीरो कौन कौन सा आ गया, 4 एंड माइनस 2, तो यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा बच्चों, बताओ, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो क्या हो गया, 4 प्लस माइनस 2 ऐसा कुछ हुआ, वैल्यू क्या दिया, 4 माइनस 2 वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो क्या 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, रिलेशनशिप बताना है ना, तो सम ऑफ कोफिशिएंट जीरोज क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है मेरा, माइनस 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 को माइनस ऑफ माइनस 2, तो ये क्या हो गया बेसिकली, इसको माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो गया आपका, ऐसा कुछ हुआ ना, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो, कोफिशियंट ऑफ एक्स कौन सा है, वैल्यूज माइनस 2 है ना, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस एज इट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या हो गया, माइनस 2,
अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, वन है ना, तो ये वैल्यू कितना हो गया वन. कोई प्रॉब्लम नहीं ना. सिमिलरली बच्चों सम ऑफ जीरोस हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, फोर इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, फोर इंटू माइनस टू ये क्या वैल्यू दे देगा, इज इक्वल टू माइनस एट. तो माइनस एट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले क्या पढ़े थे, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका यहाँ पे, माइनस एट. तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके बच्चों, ये बन गया आपका क्वेश्चन पहला. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4x² - 4s + 1 क्या है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है बताओ. 4s² - 4s + 1 तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4s² है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, s² x - 2 का x - इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2s² - 2 × 2s × 1 + 1. तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, a का स्क्वायर माइनस 2ab, a ये हो गया और b ये हो गया. तो इसको मैं क्या लिख दिया, a का स्क्वायर 2s हो गया बेसिकली 2s² तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये क्या होगा बच्चों, 2s - 1 का होल स्क्वायर. ओके ठीक. अब बच्चों ये इसको मैं बेसिकली है ना, ये फॉर्मेट किसका है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a कौन है 2s है, b कौन है 1 है, प्लस b² यानी कि 1. तो ये वैल्यू क्या हो गया, 2s - 1 का होल स्क्वायर. यानी कि अब जीरो निकालूंगा, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऐसे लिख दो, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कौन सा है, 4s² - 4s + 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2s - 1 का होल स्क्वायर = 0. तो यहाँ के से x = 1/2 आया बच्चों. ठीक, अब बच्चों यानी कि s = 1/2 आया, तो यानी कि ये दो s आया ना, क्योंकि है ना क्या यहाँ पे बेसिकली एक s का वैल्यू तो हाफ आया, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 2 होगा. तो एक अनदर सॉल्यूशन और क्या होगा, 1/2. यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस आया वो इक्वल जीरोस है, क्या है, 2, इट हैज द 2 रियल इक्वल जीरोस. ओके, तो यानी कि 2 जीरोस कौन कौन सा है, 1/2 एंड 1/2. अब देखो सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालू तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा बताओ, सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, 1/2 + 1/2, वैल्यू कितना हो गया, 1. 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन. बच्चों देखो ये माइनस एज इट इज होगा, माइनस वन किसका, कोफिशियंट ऑफ एक्स है, कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस फोर है ना, माइनस फोर है. तो अब मैं कुछ ऐसा टर्म बनाता हूँ, देखो बात समझो, टर्म बनाता हूँ कि ये कुछ जस्टिफाई करे. तो अभी क्या वैल्यू आया था, 1 आया था ना, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -ऑफ -1, या -1 को और लिख सकता हूँ क्या, -ऑफ -4/4. तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये क्या हो गया, -1 = ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, डिवाइड होकर क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा. तो देखो माइनस ये और -4 इसका क्या है, कोफिशियंट ऑफ बी है ना, और अपॉन 4, तो 4 क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो देखो जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस का क्या वैल्यू आ रहा है, -ऑफ -4/3. ओके, अब सिमिलरली क्या निकालूंगा मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 × 1 / 2 × 1/2. तो ये क्या हो गया, 1/2 × 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/4. तो देखो 1 क्या हो गया, 1 आपका कांस्टेंट टर्म है ना, और नीचे 4 क्यों है, कोफिशियंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक तरह से यहाँ पे एक्स की जगह आप एस कर दो, क्या कर दो एस कर दो, ठीक, क्या लिखोगे कोफिशियंट ऑफ एस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है फोर है ना, तो वैल्यू क्या आ गया वन अपॉन फोर, जस्टिफाई हो गया क्या। अब बच्चों मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन क्या बताओ, देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस है इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, इसको अरेंज करके और अच्छी तरह लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, सेवन एक्स माइनस थ्री, और फिर उसके बाद मैं सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, पहले जीरोज निकालता हूँ वैल्यूज, उसके बाद सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूंगा, ठीक बच्चों। तो ये देखो पहले सम ऑफ जीरोज निकालने से पहले मेरे को क्या निकालना होगा, जीरो का वैल्यू निकालना होगा ना, तो जीरो का वैल्यू देखते क्या आएगा, ये ऐसा कुछ टर्म लिखा हुआ है क्या जिसको मैं लिख सकता हूँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर यहां से थ्री एक्स कॉमन लूंगा, थ्री एक्स कॉमन लूंगा तो देखो इसमें से फिर क्या क्या आएगा कॉमन, टू एक्स कॉमन आया माइनस थ्री, यहां से वन कॉमन लिया तो ये क्या है टू एक्स माइनस थ्री, तो बेसिकली क्या बना थ्री एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री कॉमा एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, यानी कि टू जीरोज आया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री बाई टू, सम ऑफ जीरोज निकालूंगा तो क्या आएगा वैल्यू, बच्चों बताओ ये वैल्यू क्या आने वाला है, क्या आया बताओ, ये आएगा आपका कॉमन लोगे सिक्स, ये आएगा माइनस टू प्लस नाइन सेवन बाई सिक्स, सेवन बाई सिक्स आया तो सेवन बाई सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस सेवन बाई सिक्स, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ऐसा कुछ हुआ। अब देखो माइनस तो एज इट इज आया, लेकिन माइनस सेवन बेसिकली क्या है कोफिशियंट ऑफ, यहाँ पे कौन है, पहले क्वेश्चन में एस था, एस को भी हटा देता हूँ और एक्स की चर्चा करता हूँ। देखो वेरिएबल बच्चों कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है मेरा, पिछले क्वेश्चन में एस था, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस है, माइनस एज इट इज, माइनस सेवन क्या है कोफिशियंट ऑफ किसका है, एक्स का अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सिक्स है, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू, तो ये क्या होगा माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू, तो वैल्यू क्या दे दिया माइनस वन बाई टू। अब बच्चों बताओ यहाँ पे कोफिशियंट क्या है, माइनस वन बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताओ, इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आया ना, माइनस वन बाई टू को मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस थ्री बाई सिक्स, तो देखो माइनस थ्री क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है ना यहाँ पे, और सिक्स क्या है जो डिनोमिनेटर में आया वो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या हो गया प्रूफ हो गया क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वेरीफाई में अदर्स रिलेशनशिप कर दिया क्या, वेरीफाइंग द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशियंट, ओके। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन में जा रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है बताओ, थर्ड हो गया फोर्थ, अब बन फोर्थ पर क्या है, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, यहां से क्या करूंगा फोर यू को कॉमन लूंगा, क्या लूंगा यू प्लस टू, ओके। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर स्क्वायर प्लस एट को क्या लिखूंगा, फोर यू इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो अपॉन फोर, तो एक जीरो आ गया, फिर दूसरा क्या होगा फोर यू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू, कोई प्रॉब्लम बच्चों, तो जीरो कौन कौन सा आ गया, यू इज इक्वल टू जीरो एंड यू इज इक्वल टू माइनस टू। अब बच्चों देखो यहाँ कोफिशियंट अभी एक्स था, तो एक्स की जगह मैं क्या लेता हूँ
u लिख देता हूँ, ठीक। तो u इज स्क्वायर अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन u स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरो प्लस माइनस टू, तो वैल्यू कितना आया, जीरो प्लस माइनस ऑफ टू, तो वैल्यू कितना आ गया, माइनस टू। ओके, माइनस टू को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ टू को लिख सकता हूँ क्या, एट अपॉन फोर। ओके, तो ये क्या हो गया, एट अपॉन फोर। अब बच्चों माइनस तो एज इट इज आया, लेकिन कोफिशियंट ऑफ यू क्या आ गया, कोफिशियंट ऑफ यू क्या है, एट, जो कि ये आया अपॉन कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या, कोफिशियंट फोर, तो जस्टिफाई हो गया ना। अब प्रोडक्ट सिमिलरिटी निकालता हूं, तो देखो जीरो इंटू टू, तो बेसिकली क्या दिया, जीरो। तो बच्चों देखो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं आया, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है ना, तो यानी कि ये सी क्या है मेरा वैल्यू, सी इज इक्वल टू जीरो इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो देखो जीरो अपॉन समथिंग कोफिशियंट ऑफ यू सिक्स, तो जीरो अपॉन फोर क्या देगा, जीरो ही दिया। ओके, इसीलिए आंसर आपका क्या आया, जीरो क्या आया, जीरो एज माइनस टू फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू प्लस जीरो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या लेता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन। बच्चों यहां बी इज इक्वल टू जीरो है, सी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन एंड ए इज इक्वल टू वन है। अगर इसको मैं सॉल्व कर दू कैसे करूंगा, टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 50 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ऐसा कुछ फॉर्मेट बना क्या, किसका फॉर्मेट है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मेट बना ना। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस रूट अंडर 50 इंटू टी प्लस रूट अंडर 15। तो अभी जीरोज कौन सा हो जाएगा, जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 15 और फिर अगेन एक t इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा, रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15, वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब बच्चों जीरो इज इक्वल टू बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस होता है ना, तो यहाँ b का वैल्यू कितना है, जीरो है ना, और a का वैल्यू वन है, तो यानी कि जीरो अपॉन वन क्या देगा, जीरो देगा क्या, तो वही मैं लिख दिया क्या, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ यू, कोफिशियंट ऑफ अभी वेरिएबल कौन सा है, टी है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा यू को टी से। ओके, तो अभी टी क्या हो गया मेरा, कोफिशियंट ऑफ टी क्या हो गया, टी अभी क्या हो गया, यहाँ पे जीरो था, बी क्या हो गया, जीरो था, तो क्या लिखूंगा, जीरो अपॉन वन, तो कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर वन आया, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा, वैल्यू जीरो होगा। ओके, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15, तो वैल्यू क्या देगा, माइनस फिफ्टीन। देखो सी वैल्यू हो गया ना, और डिवाइडेड बाय वन, तो देखो कोफिशियंट क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस 15 अपॉन ए, तो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ नंबर क्या है, सिक्स नंबर क्या है बताओ, सिक्स नंबर आपका क्वेश्चन है क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ऐसा कुछ है क्या, और फिर है ना बाद में जस्टिफाई करना है सम ऑफ जीरोस को लेके, और अभी है ना टी की जगह क्या आ गया, वेरिएबल मेरा क्या आ गया, एक्स आ गया, तो टी की जगह रिप्लेस करके मैं पहले क्या लिख देता हूँ, एक्स, ये एक्स स्क्वायर, इसका भी एक्स स्क्वायर। अब मैं फिर जस्टिफाई बाद में करूंगा, पहले क्या करूंगा, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल बताऊंगा, तो ये क्या लिख सकता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये देखो बच्चों अभी क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, तो अभी मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं, कैसे इसको क्वेश्चन को डील करूं, बताओ, अगर मैं इसमें चेंजेस कर दूं कैसा, माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, अगर ये इसको मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करूं तो ये क्या लिख सकता हूं, माइनस थ्री एक्स या माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो अगर ऐसे भी स्प्लिट कर दो तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, या प्लस थ्री एक्स माइनस फोर
एक्स माइनस फोर ये कर सकता हूँ ना, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, थ्री एक्स को कॉमन लूंगा, तो एक्स प्लस वन माइनस को कॉमन, माइनस फोर को कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन आया, तो ये क्या आया थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन, तो जीरोज क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉइनोमियल क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉइनोमियल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फोर बाई थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, फोर बाई थ्री माइनस वन का सम क्या होगा, फोर बाई थ्री माइनस वन, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, फोर माइनस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी अपॉन ए, तो ये देखो बच्चों माइनस तो एज इट इज होगा लेकिन बी का वैल्यू क्या है अभी, अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे तो बी इज इक्वल टू क्या है, वन है, ए इज इक्वल टू थ्री है एंड सी इज इक्वल टू फोर है मेरा, तो अब रिप्लेस कर दूंगा बी को वन से, तो ये क्या आएगा वन और ए क्या है आपका थ्री है, तो कोफिशियंट देखो, कोफिशियंट क्या हो गया, अगर मैं इसको लिखू देखो बी इज टू माइनस वन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी को वन अपॉन थ्री को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एज इट इज आया, फिर बी क्या है ये माइनस वन क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है माइनस वन है ना, तो वो लिखा माइनस वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर थ्री, अब प्रोडक्ट ऑफ दिस टू जीरो करता हूं तो ये क्या आएगा फोर अपॉन थ्री इंटू माइनस वन डेट इज माइनस फोर अपॉन थ्री, अब बताओ कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सी इज इक्वल टू माइनस फोर है ना, c इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ये क्या आ गया कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है थ्री, तो यानी कि बेसिकली a, तो यानी कि माइनस फोर अपॉन थ्री आ गया, ओके बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चे, जो आपको है ना प्रीवियसली एग्जाम्पल्स में करवा दिया था लेकिन थोड़ा है ना a और b का ना वो जो वैल्यूज रखने के लिए वो मैं दिखा रहा आपको, ठीक। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज टू का ही, एक्सरसाइज टू में सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल each with the given given number